कहते जी कि मुर्दा दफन करते हुए कब्र में चिराग रखा जा सकता है, कितनी देर चलेगा, मिट्टी जब पड़ेगी। अब अकल है या अकल के अंधे है? असल चिराग नूर ईमान है। अगर ईमान है और कलमे पे मौत है, अल्लाह वलीयुल्लज़ीन आमनु, अल्लाह मोमिनों के दोस्त हैं, युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, उनको कुफ्र के अंधेरों से नूर ईमान की तरफ ले आते हैं। क्या अल्लाह ताला ने इंसान को दुनिया में ये तौफीक दी है कि जहन्नमियों की चीखो पुकार सुने? बिल्कुल। इसीलिए हुज़ूर ने फरमाया है कि जब कब्र पे अज़ाब होता है हर चीज सुनती है, इल्लत सकलैन, इंसान और जिन नहीं सुन सकते। क्यों? अगर सुन ले तो कौन दफन करेगा अपने अजीजों को? वो तो सड़क पे फेंक के भाग जाएंगे कि अपने हाथ से कैसे अजाब में भेजें। तो अल्लाह का एक निज़ाम है कि जानवर भी सुनते हैं, हर चीज सुनती है, लेकिन इंसान और जिन नहीं सुनते। कहते हैं जी कि मैयत को दफनाने के बाद कब्र पे खड़े होके अजान देते हैं, ये बिदअत है। अजान देने का कोई हुक्म नहीं, सिर्फ ये हुक्म है कि कब्र पे खड़े होकर दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला मैयत को साबित कदम रखे, सवाल और जवाब में कामयाब हो, अल्लाह उसकी कब्र को बागे जन्नत बनाए और अजाब से बचाए। खुदा की शान है, ये जिंदे तो अजान सुन के नमाज नहीं पढ़ते और मुर्दों को सुनाएंगे। हमें तो समझ ही नहीं आती इनकी अकल पर कि इनका अकल कहाँ चला गया, मातम करना चाहिए। वो अल्लाह के बंदे, जिंदगी में तुमने अजान दी ना, अजान पर जवाब दिया ना, नमाज पढ़ी।